खबर रीवा से है, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के डायरेक्टर रहे। अध्यक्षता विद्यालय के कोऑर्डिनेटर ने की, विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रिंसिपल रहे। विद्यालय में इस पावन पर्व पर बच्चों ने एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिनमें बघेली, नाटक, ड्रामा, म्यूजिकल, गेम एवं सॉन्ग काफी प्रशंसनीय रहे। बच्चों ने शिक्षक की भूमिका पर भी नाटक प्रस्तुत किया, जो आज के कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि आर के साहू ने बोलते हुए कहा कि शिक्षक बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि शिक्षक ही देश का भविष्य तय करता है। वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा नागरिक बनाता है, जो बाद में चलकर देश हित में अपना योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि आप सबको सबसे पहले एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनता है। शिक्षक ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता एवं वैज्ञानिक बनता है। उन्होंने गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बढ़कर बताया है। आर के साहू ने बच्चों से अपील की, गुरु शिष्य के इस पवित्र रिश्ते को हमेशा कायम रखना चाहिए। यदि बच्चे अनुशासित नहीं रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बच्चों को अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में कुछ हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ मुड़ रही है, जो देश के भविष्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए युवाओं को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम को विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भी संबोधित किया।